का स्वागत है दोस्तों गल्फ आइडिया चैनल पे। दोस्तों अगर आप गल्फ़ कंट्री के बारे में हर दिन नई जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों जो कतर की पहली अपडेट आ रही है, जो कतर फाउंडेशन है उसने दोस्तों एक सेलिब्रेशन स्टार्ट किया है। जो भी स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाई करते हैं वो लोग के लिए खास करके दोस्तों एक कतर फाउंडेशन की तरफ से एक वर्चुअल सेरेमनी का अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें दोस्तों 483 स्टूडेंट लोगों को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया है और उन्हें दोस्तों इस प्रोग्राम में दोस्तों जो भी इस प्रोग्राम में फर्स्ट टॉप रैंक में आएगा उन्हें प्राइम मिनिस्टर के तरफ से, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है कतर के, उनके तरफ से प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उन्हें इनाम दिया जाएगा। फिर कतर की जो भी अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, 425 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है दोस्तों, और इनमें से 300 लोग ऐसे थे जो कि फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, फेस मास्क नहीं लगा रहे थे, और इसमें इनमें से 121 लोग ऐसे थे जो कि वहाँ पे जो फिज़िकल मेंटेन नहीं कर रहे थे, मतलब जो वहाँ पे जो दूरी बनाने को बोली जाती है वहाँ पे लोग दूरी बना के नहीं रह रहे थे और वहाँ पे गैदरिंग कर रहे थे, भीड़ भाड़ इलाकों में ज़्यादा भीड़ लगा रहे थे, तो इसलिए 121 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। 4 लोग ऐसे थे जो कि एतराज़ ऐप का इस्तेमाल नहीं किए थे, अपने मोबाइल में एतराज़ ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके नहीं रखे थे। इसलिए दोस्तों जो लोग भी कतर में हैं वहाँ की जो सरकार गाइडलाइन ला रही है उस पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इसी तरह दोस्तों फिर कतर की अगली अपडेट आ रही है, जो कतर के दुखन रोड है उसे बंद कर दिया गया है दोस्तों। इसकी जो टाइमिंग होगी दोस्तों, दुखन रोड जो है जो अमीरी गाइट की तरफ जाती है, 11 बजे रात से लेकर मंडे से सुबह 4 बजे ट्यूजडे तक ये रोड को बंद किया जाएगा। इसमें कुछ दोस्तों जो कुछ मरम्मत का काम होने वाला है और कुछ ट्रैफिक का भी काम होने वाला है, इसके कारण दोस्तों ये रोड को बंद कर दिया गया है। इसी तरह फिर कतर की अगली अपडेट आ रही है, GWC जो है उसने दोस्तों 2021 में जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल वहाँ पे मनाया जाता है और इस साल भी मनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। और ये दोस्तों एक तरह से बहुत ही अच्छा वर्ल्ड सेफ्टी फूड डे होता है। वहाँ पे अगर कोई भी रेस्टोरेंट होटल अगर वहाँ पे खाना या फूड अच्छे से नहीं देता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। वहाँ पे हर दिन किसी न किसी होटल को रेस्टोरेंट को सील किया जाता है, इसलिए ये मनाया जाता है कि सबको अवेयर किया जाता है कि वहाँ पे आप लोगों को अच्छा खाना दें, अच्छा फूड दें, इसलिए ये हर साल मनाया जाता है। इसी तरह दोस्तों आप गल्फ़ के बारे में रोज़ जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।